हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो क्रिएशन करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ा एंजॉय करेंगे इस वीडियो को देख के। तो चलते हैं पहले वीडियो के टाइटल। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की, यानी वीडियो का टाइटल है मुंबई टू लक्षद्वीप क्रूज। क्या बोलती पब्लिक, फाइनली आपके लिए एक और क्रूज़ जर्नी। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था कॉर्डिलिया क्रूज से, तो मैंने किया था 2 नाइट्स, बट दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग फॉर 5 नाइट्स। और जब इतना लंबा सफ़र, इतनी लंबी जर्नी, तो आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। तो जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, और आपके लिए एक ऐसी वर्चुअल जर्नी, ऐसा कॉन्टेंट देखने में ही देखिए ये क्रूज़ कितना सुंदर लगता है। दिस इज़ एम्प्रेस। एक बार मैं फिर से आपके लिए वाली जर्नी लेकर आया हूँ, बट दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू लक्षद्वीप। शुरू करें नहीं, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बस अपने चेहरे पर इसी तरह ये स्माइल बनाए रखिए और मेरे साथ वर्चुअली क्रूज़ जर्नी। तो चलिए, मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नी। और क्रूज़ के पास खड़ा होके तो ये जो वाइब आती है ना, आपको बताइए, आई एम अ बिग टाइम क्रूज़ लवर। देखिए वो सब कुछ दिखाया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ। नहीं, क्रूज़ जर्नी की जब बात आती है तो इस बार भाई नहीं है, बट इस बार एक फ्रेंड है, मानव। हाय। हम आप दोनों, आपको बता दूँ, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और मानव, फर्स्ट टाइम यू आर बोर्डिंग द क्रूज़? Yes, definitely. And with 200 journeys, this is my first video, so it's gonna be awesome. Definitely, it's gonna be awesome. मज़ा आएगा, बिल्कुल। Expectation क्या है हमारा? बहुत ज़्यादा expectation है. And given that भैया का पहला video already आ चुका है, ये video से आप लोग double fun और double expectation की उम्मीद रखना. And I'm sure you're gonna love it. एक बात आपको बता दूँ, अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो फ्रॉम मुंबई टू लक्षद्वीप क्रूज़ की, तो इस वाले व्लॉग को पूरा देखिए। इंटीरियर आपको दिखाया जाएगा, कॉस्टिंग आपको बताई जाएगी, पूरा क्रूज़ आप देख लीजिए, सब कुछ आपको इस व्लॉग में डिटेल में दिखाया जाएगा। अगर आप वहाँ देखोगे, अभी जो क्रूज़ का आई गेस फूड आइटम्स वगैरह हैं, वो सब कुछ बोर्ड किए जा रहे हैं, तो टाइम वगैरह हमको बहुत मिलेगा। और सब कुछ जैसा मैंने आपसे कहा, आप ये वाला व्लॉग पूरा डिटेल में देखिए लक्षद्वीप तक। और आपको बता दूँ, ये वाला व्लॉग मैं आपको 2 पार्ट में दिखा रहा हूँ, यहाँ से मुंबई टू लक्षद्वीप पार्ट 1, लक्षद्वीप टू मुंबई पार्ट 2। तो दोनों व्लॉग देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले आपके लिए बोर्डिंग प्रोसेस, आपने एक बार टिकट बुक वगैरह सब कर दिया, आपको गूगल मैप्स में डालना है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल। आप सीधा लोकेशन पर आओगे, आपको पहुंचना है ग्रीन गेट। जैसे ही आप एंट्री करोगे, एक बार लगेज चेक होगा, आपको अपनी RT-PCR रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, फिर आपको बस मिलेगी, बस लेके आप आ जाएंगे मेन गेट पर, और वहाँ पर आपको मिलेगा काउंटर कॉर्डिलिया का, आपको वहाँ पर की वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन आपको बोर्डिंग पास दिखाना है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को। एक बार आपने सब कर लिया, तो अगर आप देखोगे घूम घाम के, आप यहाँ पर आ जाओगे। बिकॉज आज क्या है, थोड़ा हाई टाइड वेव्स ज़्यादा है, तो जो ऊपर आप एंट्री देख रहे हो वो उन्होंने करंटली बंद कर रखा है, बट हमको एंट्री दी जा रही है डेक 2 से, तो हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। करंट टाइम इट इज़ 2:30, और जो डिपार्चर टाइम क्रूज़ का है आज का, मैं आपको बता दूँ, इट इज़ 4:30। तो पहले एक बार अंदर जाने दीजिए, बिकॉज ड्रिल भी हमको शो की जाएगी, सब कुछ शो किया जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, पूरा व्लॉग आराम से देखिए। सबसे पहले अंदर कुछ पैसेंजर्स अगर आप देखोगे ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं और बोर्ड कर रहे हैं, तो पहले अंदर चलते हैं। मानव रेडी? मानव भी सोच रहा है, भाई यही तो है व्लॉगिंग, यही तो है व्लॉगिंग। आइए अब अंदर चलते हैं और इस सफ़रनामा को कंटिन्यू करते हैं। क्रूज़ के अंदर हम आ चुके हैं, करंटली लोकेशन डेक 5, आप देख लीजिए, दिस इज़ चेयरमैन्स क्लब। और यहाँ पर हमको अब दी गई है वेलकम ड्रिंक, काला खट्टा आम पन्ना प्लस ऑरेंज। और बाहर की गर्मी, और यहाँ का माना टेम्परेचर कैसा है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी 22-23 डिग्री के आसपास लग रहा है, बट जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है आपको बता दूँ, बिकॉज मानव इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, तो मानव का
जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे कम होगा. एग्जैक्टली धीरे धीरे मानो बट मज़ा आने वाला है. पूरा इंटीरियर वगैरह, अरे सर लक्षद्वीप तक साथ हैं, पूरा इंटीरियर रूम वगैरह आपको सब कुछ दिखाया जाएगा. ये हमारे भाई साहब हैं. यस कोहली, कोहली साहब हैं, कोहली साहब हैं. पहले वेलकम ड्रिंक तो एंजॉय करने दीजिए. पाँच दिन का सफ़र है माना, पाँच दिन का. जिम आपको दिखाई जाएगी, स्पा आपको दिखाया जाएगा, और जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं सब कुछ. एग्जैक्टली तो हम लोग ने कुछ ऐसा स्पेशल प्लान आउट किया. आज जैसे आइटनरी देख रहे थे तो हमने देखा है सिंगल्स के लिए कुछ एक्टिविटी है, तो आप जान रहे हो क्या होने वाला है. दुलेश भैया के साथ तो मज़ा आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए और डेफिनेटली देखिएगा, दोबारा देखिएगा और सबको रेफर भी कीजिएगा. बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी क्रेजी क्रेजी. यस कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए. सब लेटेस्ट एक्टिविटीज़ आपको वहाँ मिलेंगे. करंट टाइम अराउंड 3 o'clock, और आपको बता दूँ जो हमारा ऑफिशियल डिपार्चर टाइम है दैट इज़ 4:30. सबसे पहले आपको बता दूँ हमारे साथ शुभम जी हैं फ्रॉम कॉर्डिलिया क्रूसेस, हु इज़ हेल्पिंग अस आउट विद एवरीथिंग. थैंक यू सो मच, इन्होंने हमको पूरा क्रूज वगैरह टूर वगैरह सब कुछ दिखाया. अभी हम यहाँ पर हमने लंच स्टार्ट कर दिया है. वेज नॉन वेज चिकन नूडल्स फ्राइड राइस. माना नॉन वेज कैसा है? नॉन वेज इज अमेजिंग. चिकन खा रहे हम, चिकन टिक्का है एंड इट्स सुपर्ब लाइक ग्रेट. और बिकॉज शुभम जी तो खैर कॉर्डिलिया क्रूसेस से हैं, तो मैं आपको बता दूँ आप ये इंटीरियर देखिए. करंटली हम कौन सी डेक पर हैं? दिस इज ऑन, वी आर ऑन डेक नंबर 4 राइट नाउ. डेक नंबर 4, और जो ये रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं इसका नाम स्टारलाइट. दिस इज स्टारलाइट. आप इसका इंटीरियर देखिए और माना फूड की क्वालिटी A1. अभी तो ये मानिए सफ़र की जर्नी की शुरुआत भी नहीं हुई है, बट यहाँ पर आप क्वालिटी फूड वगैरह देखिए, सैलेड वगैरह. अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं मानो तो आप सैलेड वगैरह वो भी ट्राई कर सकते हैं. शुभम जी प्लीज एंजॉय. शुभम जी का ध्यान खाने पे यहाँ पर, बिकॉज़ हम थोड़े हंग्री है. यस बट सर्विंग देखिए आप, और फिर मैं आपसे कहूँगा आप पूरा इंटीरियर देखिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ कॉर्डिलिया क्रूज पर खाना पीना कैसे बनाया जाता है. किचन भी आपको दिखाई जाएगी बट वो अलग वीडियो में, और जब मैं वो वीडियो बना दूंगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाली वीडियो देखिएगा ज़रूर. और यहाँ पर हमारा चल रहा है फेवरेट, दिस इज़ पनीर. पनीर जो मिलेगा माना प्रोटीन, क्या बोलता है? एग्जैक्टली और कल सुबह भैया को मिलेंगे जिम में. अभी यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो भी क्रूज का इंटरनल स्टाफ है मतलब जो उतरने वाला है वो यहाँ पर उतर जाए. बिकॉज अगर आप देखोगे अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स एंकर्स वगैरह सब कुछ रैपअप करने का तैयारी इन्होंने शुरू कर दिया है. 4:30 वी आर ट्राइंग कि बिल्कुल शार्प टाइम पर यहाँ पर हमारा डिपार्चर हो. अगर आप देखोगे यहाँ आप प्रोफेशनलिज्म देखिए, बिल्कुल सब कुछ रिमूव किया जा रहा है अंदर. अभी यहाँ क्लीननेस वगैरह सब कुछ चल रही है टूरिस्ट के लिए, पैसेंजर्स के लिए. मैं आपको बता दूँ करंटली जहाँ तक मेरे को पता है राइट नाउ यहाँ से मुंबई से जो बोर्ड कर रहे हैं वो है 450 पैसेंजर्स. अभी आगे और कहाँ बोर्ड करेंगे बिकॉज हम जा रहे हैं वाया कोची, तो सब डिटेल्स आपके सामने आगे शेयर की जाएगी. बट यहाँ पर क्रूज़ में इस गैलरी में आप खड़े होकर देखिए, ये बिल्कुल अलग ही वाइब है. और अगर आपने अब तक क्रूज़ जर्नी नहीं की है आई वुड हाईली रिकमेंड क्रूज़ जर्नी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. बिकॉज दिस इज़ मैं आपसे कहूँगा 7-star होटल्स, मतलब 7-star होटल सेलिंग, 7-star होटल ऑन वाटर. ये नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर जो हमारे गैंग वे थे अब वो निकाल दिए गए हैं. इस तरफ आप हमारे कैप्टन्स भी देख सकते हो. कंटिन्यूसली वाईफाई पर कॉन्टेक्ट चल रहा है टीम से, जो इनसाइड द क्रूज़ हैं, जो अगर आप देखोगे नीचे भी जो क्रू मेंबर्स हैं पूरा कॉन्टेक्ट चल रहा है. गैंग वे निकाल दिया गया है. आई गेस इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स वी आर रेडी टू डिपार्ट, बिकॉज शाम इवनिंग ऑलरेडी हो चुकी है. तो यहाँ पर कॉफ़ी प्लस कॉफ़ी चाय वगैरह प्लस इवनिंग स्नैक्स थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया है. और कॉर्डिलिया क्रूज़ पर ये ज़रूर है खाने पीने का तो इतना ध्यान रखा जाता है कि पूछिए मत. मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि क्रूज़ डिपार्ट हो. जैसे ही क्रूज डिपार्ट होगा स्विमिंग पूल तैयार है बस.
क्रूज डिपार्ट हो चुका है, जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। मान लीजिए लगभग बज रहे हैं 6, मैं हूँ माँ की थिएटर डेक नंबर 5, और आपको बता दूँ यहाँ पर इस क्रूज का जो हाईलाइट शो है दैट इज़ बल्ले बल्ले, वो यहाँ शुरू होने जा रहा है। शो का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का। यस, जो थीम है वो है ड्रामा कॉमेडी लव, आप कह लीजिए। सब टूरिस्ट यहाँ पर सीट ले रहे हैं, और आपको बता दूँ अगर आप ये वाला क्रूज बोर्ड कर रहे हो, बल्ले बल्ले इज़ समथिंग विच यू शुड नॉट मिस। अब 2 घंटे का शो है, कोशिश पूरी है आपको मैं जितना भी दिखा पाऊँ। सब जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, सब यहाँ पर धीरे धीरे अब वो सीट ले रहे हैं। बस शो अगले 10 मिनट में शुरू होने जा रहा है, बिकॉज मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। अब जितना भी हो पाएगा वर्चुअली मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यस, हाउ आर यू? ऑल गुड? बल्ले बल्ले ब्लॉग देख के स्टार्ट किया? अरे क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाए। चलो और जो हमने स्किट देखा बल्ले बल्ले, हमारी हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले, बल्ले। मतलब शो कैसा लगा भाई? मजा आ गया एकदम। डांस था, हाँ, उसमें कॉमेडी था, एक्शन था, ड्रामा था, सब कुछ था और बहुत बढ़िया था। तो आप अगर कॉडिले क्रूज पर आ रहे हो प्लीज बल्ले बल्ले शो देखिएगा जरूर एक बार। हम फिर अब जा रहे हैं अपने रूम में। हमारा रूम नंबर कौन सा है मानव? 3642 हम हैं। मैं आपको बता दूं वी आर ऑन डेक नंबर 3, जो हमको रूम दिया गया है दैट इज ओशियन व्यू। और अब आपके लिए बनता है, देखो बिकॉज ऑफ कॉपीराइटेड सॉन्ग्स अब 2 घंटे का शो है, तो आप भी समझ सकते हो एक वीडियो में तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता, इतना मैं आपको कैसे दिखा दूं। प्लस कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं, तो जितना भी हो सकता था मैंने वो आपको दिखाया है। अब आपके लिए बनता है जो हमारी ऑडियंस वेट कर रही है कि भैया रूम टूर तो दिखाइए, रूम टूर। आप देखो इस क्रूज की तो यार वाइब ही अलग है। अब सबसे पहले आपके लिए पूरा रूम टूर जो हमको ओशियन व्यू दिया गया है। कौन सा रूम है? 3642। वॉक करते जाइए और ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्रूज पर वॉक करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत थकान यहाँ पर होगी बट वो मैनेज करना पड़ेगा। दिया गया 3642। यस, अब बनता है आपके लिए डिटेल में रूम टूर। हमने लिया है 3642, कैटेगरी है ओशियन व्यू। आइए की को किया जाए और चलिए सीधा अंदर चलते हैं और एक रूम टूर की शुरुआत करते हैं। पहले आप पूरा एक देख लीजिए वाइड एंगल में, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको इस तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ मिरर देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पे सिटिंग एरिया, वर्किंग एरिया आप कह लीजिए, मेकअप वगैरह रेडी होने के लिए। इस तरफ जो हमने रूम लिया है दैट इज ट्विन बेड, तो आप देख सकते हो। अगर आप चाहो कपल में अगर आप आ रहे हो तो डबल बेड भी ले सकते हो, और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलता है बंक बेड। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरफ आप देख लीजिए टीवी दिया गया है, दिस इज़ अ चार्जिंग पॉइंट। बट ध्यान रखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपको लेना है इंटरनेशनल चार्जर, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल क्रूज, तो आपको उसी का ध्यान रखना है। पूल टॉवल्स दी गई हैं, और जो ओशियन व्यू की स्पेशलिटी है रूम्स की वो देखिए, यहाँ पर आपको ये विंडो दी जाती है। दिन के टाइम में आपको यहाँ पर ऐसे नज़ारे मिलेंगे कि पूछिए मत। इस तरफ यहाँ डस्टबिन हो गया, स्पेस आप देख लीजिए, लगेज वगैरह हमने फिलहाल यहाँ रखा है। अगर आप चाहें तो बेड के नीचे भी लगेज अपना रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ लाइफ जैकेट वगैरह सब, एक सामान रखने के लिए अपना लगेज रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इस तरफ देखिएगा। और यहाँ पर ये लॉकर भी इन्होंने दिया गया है, लॉकर भी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिएगा वॉशरूम। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरफ यहाँ पे वॉश मशीन आप देख लीजिए, इस तरफ कमोड हो गया, यहाँ पर पूरा शावर का गर्म पानी, ठंडा पानी, प्लस अगर हम अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टॉवल्स भी दी गई हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री टॉवल्स वगैरह आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछोगे तो ओशियन व्यू फर्स्ट क्लास बिल्कुल। अब हम बैठ के ज़रा, आप भी आई एम श्योर आप भी सोचोगे कि भैया पैसा कितना लगा, तो आप रूम देख लीजिए एक बार, मैं गेट ज़रा बंद कर देता हूँ। तो अगर आप रूम देखोगे ओशियन व्यू में तो कहूँगा रूम बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग का मैं आपको बता दूँ, जो हमने पे किया है फॉर दिस ओशियन व्यू 5 नाइट्स के लिए पूरा पैकेज अप एंड डाउन दोनों लोगों का है, इट इज़ 1,20,000, जिसमें फूड वगैरह कुछ भी, फूड वगैरह इंक्लूडेड है,
ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, प्लस वाईफाई इंक्लूडेड नहीं है, और वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर हर चीज़ USD में हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखिए। तो इस कार्ड में आपको लोड करना है, मिनिमम लोडिंग अमाउंट इज़ 5,000 rupees। अगर आपने 5,000 rupees यूज़ नहीं किए तो जब भी आप डिसएम्बार्क कर रहे हो तो वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आने वाले टूर या मोर डिटेल्स आप सब कुछ वहाँ पर देख सकते हो। ये सब कुछ हो गई बातचीत, अगर कुछ और रह गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब भाई अब लगी है तगड़ी वाली भूख, जल्दी पहले ऊपर चलते हैं। आई गेस डेक 10 पर खाना और डिनर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, वहाँ चलते हैं। और थोड़ी सी पहले सबसे पहले करेंगे पेट पूजा। बट आप ये ओशन व्यू देखिए भाई साहब, इसका तो मानव कैसे रूम कैसा है मानव, अरे भाई साहब एकदम कड़क। लंच हमने किया था डेक नंबर 5 पे स्टार लाइट में, डिनर हम करने आए हैं डेक नंबर 10 पे। वेज, नॉन वेज, जैन, चाइनीज, नूडल्स, पता नहीं आपको क्या क्या मिलेगा। मानव नॉन वेज में क्या क्या है? नॉन वेज में मैंने लिया है मटन बिरयानी, इसके साथ है चिकन लेग पीस, देन यू हैव बटर चिकन एंड यू हैव फिश फ्राई आल्सो, एंड द टेस्ट इज अमेजिंग। टेस्ट कैसा है मानव? मस्त है ना? बहुत सही है भाई साहब। खाने की तो जितनी तारीफ की जाए ना यहाँ पर उतनी कम है। मैंने लिया है पनीर की सब्जी, डेजर्ट आप देखिए क्या लाजवाब। और जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ का भी आप अगर आप इंटीरियर देखोगे लाजवाब, इंटीरियर के क्या कहने। तो अगर आप देखोगे ना जितने भी ट्रेवलर्स हैं सब आराम से बैठ के डिनर कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है किचन में फ्रेश बनाया जा रहा है। यस, और गर्मा गर्म सर्व, बिल्कुल गर्मा गर्म यहाँ पर एकदम सर्व किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ एकदम शांति। बट क्रूज़ जर्नी में आपसे ये कहना पड़ेगा, अगर आप खाने के शौकीन हो, अगर आप फूडी हो, तो दिस क्रूज़ जर्नी इज़ फॉर यू। मानव फिश मिल गई भाई साहब, मानव को तो मज़ा आ गया। पेट पूजा हो गई, ऊपर आउटडोर में डीजे पार्टी शुरू कर दी गई है, अगेन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स, प्लस आईपीएल की लाइव स्क्रीनिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर अब हम आए हैं कसिनो में। मानव कसिनो खेलने वाला है क्या? यहाँ पर आप देखिए कसिनो की तो यहाँ की तो बिल्कुल वाइब ही अलग है। मानव टाइम खेलेंगे, मानव चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा खेलेगा। और सब कुछ USD में है, 1 USD इक्वल्स टू यहाँ पर जो करंट रेट है वो मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ 76 rupees। आप वहाँ काउंटर देख सकते हो, कैश से अगर आप बाइन करना चाहें या जो टिकट जो कार्ड हमने आपको दिखाया आप उसमें रिफ़िल कराइए और वहाँ से भी आप खेल सकते हो। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल कुछ लोग ऑलरेडी आए हैं, गेम्स वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा तो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता, यू विल अंडरस्टैंड, बट यहाँ की वाइब, मानव मानव इज ऑल्सो CA। मानव खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये तो बोल। मानव बोलता भैया कसिनो से दूर रखो, बिकॉज नाउ वी आर इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो कसिनो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। मानव ट्राई तो करते हैं, कुछ तो ट्राई करते हैं। अरे चिंता मत कर, जीतेंगे यार, काहे को टेंशन का है। दिस इज कसिनो, आप देखिए यहाँ पर सब अलग अलग गेम्स आप ट्राई कर सकते हैं। करंट वक्त देख लीजिए, दिस इज 10:32 और हमारी इस क्रूज जर्नी का day 1 यही खत्म होता है। पता नहीं क्रूज के हमने अप एंड डाउन आगे पीछे माना कितने चक्कर काटे कितने क्या ढूंढने के लिए कितने चक्कर काटे। और वो आइटनरी दिखाना जरा, माना डे टू का आपको बता दूं, ये देखिए ये पूरा आइटनरी दिया गया है यहाँ पर, इसमें सब कुछ है कि कल क्या क्या होने वाला है। बट आप चिंता मत कीजिए, वर्चुअली आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट फिलहाल के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी स्लीप। ऑलराइट, तो आपसे कल मुलाकात होगी। करंटली फिलहाल आई गेस अरेबियन सी में कहीं तो है। माना कुछ और बोलना चाहेंगे, कैसा रहा day 1? बहुत ही मज़ेदार था, क्रूज के इर्द गिर्द पूरे चक्कर काटे, हमने ट्राई किया कि हम मैक्सिमम कंटेंट आपको लाके दे सके, इसलिए हम ज्यादा घूम रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं इधर क्या है। सो कल तैयार हो जाइएगा, day 2 तो नया आने वाला है, कुछ तो नया देखते जाइएगा। एंड दिस इज, मैं आपको बता दूं, दिस इज ओनली part 1। हां, part 2 भी देखिएगा, फ्रॉम लक्षद्वीप टू मुंबई, यानी कि आमची मुंबई। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड नाइट। यहाँ पर जो शुभरात्रि संपक है, यहाँ जो शांति है, जो सुकून है, पूछिए मत। ऊपर पार्टी चल रही है, किसी का कैरियो के चल रहा है, किसी का कुछ में लुट रहा है, कोई लुटा रहा है, बट
सब मौज कर रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। A very good morning guys, this is day 2 from Caudalia Cruises, Mumbai to Lakshadweep cruise journey. और जब दिन की शुरुआत इन नज़ारों के साथ and with the perfect sunrise, आपको क्या चाहिए? यहाँ की तो vibe ही अलग है, दूर दूर तक आप देखिए कोई भी नज़र नहीं आता. I guess अगर if I'm correct, अभी हमने गोवा भी cross नहीं किया है और currently मैं हूँ deck 10 और यहाँ चल रही है हमारी कड़क कॉफ़ी. और रात को तो क्या नींद आई है, ये मानिए ऐसा लगता ही नहीं कि क्रूज़ इज़ सेलिंग, दैट इज़ दैट मतलब वी आर ऑन द मूव. और यहाँ पर योगा सेशंस, अगर आप जिम फिटनेस फ्रीक हैं तो योगा सेशंस भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं, आप योगा वगैरह भी कर सकते हो. थोड़ी देर में पूल ओपन कर दिया जाएगा, प्लस ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है. तो सबसे पहले करेंगे दिन की पेट पूजा. और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप इस क्रूज़ पर आ रहे हो, खाने पीने का तो आपका इतना ध्यान रखा गया है कि पूछिए मत. अभी कुछ पैसेंजर्स अगर आप देखोगे सुबह सुबह का लुफ्त उठा रहे हैं. और यहाँ पर ये सनराइज़, और ये देखिए, देख रहे हो दूर दूर तक, मतलब दिस इज़ जस्ट अमेजिंग यार. मतलब मैं यहाँ आप ये मानिए घंटों तक खड़ा हो सकता हूँ और जो आपको यहाँ से नज़ारे मिलते हैं, दिस इज़ इतना ही कह सकता हूँ भाई साहब, ये है बिल्कुल लाजवाब मॉर्निंग. दिस इज़ डे 2. मैं आपको बता दूँ कल सुबह हम पहुँचेंगे कोची ऑन डे 3. तो आज का पूरा दिन होगा हाई सीज. और अब वक्त है ब्रेकफास्ट का, खाइए जितना खा सकते हैं, अनलिमिटेड है. बट मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा खाना वेस्ट मत कीजिए प्लीज़, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें कोई खाने का. आप समझते हो ना, मान आप ज़रा बताइए नॉन वेज में हमारी पब्लिक को बताइए क्या क्या है. नॉन वेज में हमारे पास फ्रेंच टोस्ट है, चिकन सॉसेज है, एग वाइट्स है एंड बॉइल्ड एग है. फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है, बाकी सारे स्टैंडर्ड आइटम है, तो एज यूजुअल इट इज़ गुड. साउथ इंडियन आपको मिलेगा, डोसा वगैरह सब कुछ, और प्लस यहाँ पे डेजर्ट मिष्ठान तो इतना. अगर आप मीठे के बोलते ना, मीठे के अगर आप मीठे के शौकीन हैं भाई साहब, आपको इतना मीठा मिलेगा पूछिए मत. चाय, रेडीमेड चाय मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी वगैरह वगैरह सब कुछ, जूसेस भी आपको दिए जाएंगे. खाने पीने का तो यहाँ पर इतना ध्यान रखा जा रहा है, सोचिए सुबह 7:30 ब्रेकफास्ट ओपन कर दिया, 7:30 to 10:30 ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, 7:30 शार्प ब्रेकफास्ट शुरू हो गया था, तो इट सेज दैट वेल ऑन टाइम. यस बिल्कुल. और इन नज़ारों के साथ जब आपको ब्रेकफास्ट खाना खाने को मिले, मील कंज्यूम करने को मिले, इसका तो मज़ा ही अलग है इसका. आपको सब कुछ दिखा ही रहे हैं बट स्विमिंग पूल दिखाना बनता है, बिकॉज दिस इज़ सी वाटर, तो ये कुछ ज़्यादा ही सॉल्टी होने वाला है. बट आपके लिए अंडर वाटर शॉर्ट्स, मानव कैमरा देन बनता है. मानव मेरे साथ पूल में नहीं आ रहा, मानव ने मेरे को दगा दिया. और ये देख लीजिए अंडर वाटर कैमरा, अब आपके लिए कुछ अंडर वाटर शॉर्ट्स भी कैप्चर करेंगे. बट दिल में घबराहट, बिकॉज सॉल्टी वाटर है. चलिए मैनेज करेंगे, आपके लिए थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाने बनते ज़रूर हैं. ठीक है मानव, चलेगा? मानव चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे साथ? अच्छा चलिए, अब मैं कैमरा दे रहा हूँ, DSLR दे रहा हूँ मानव को, और ये लेके जा रहे हैं अंदर.
स्विमिंग पूल एंजॉय करने के बाद पूरे दिन हमारी एक्टिविटीज़ चली, चाहे वो वॉल क्लाइंबिंग हो जो कि पेड वन है, फिर आफ्टरनून में एक मैजिक शो भी हुआ था तेजस के साथ, वो सब देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया है जब मैं कौडिल्या में पहले आया था, तो आप वाला व्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको बता दूँ करंटली कुछ बज रहे हैं रात के 8, वापस मैं आपको लेकर आया हूँ माँ की थिएटर जहाँ पर एक शो होने जा रहा है। दिस इज़ इंडियन सिने मैजिक, 30 मिनट्स का शो, पूरा एक डांसिंग थीम है। अब मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिखा पाऊँ। अगर आप देखोगे धीरे धीरे सब पैसेंजर्स यहाँ पे जमा होने लगे हैं, बैठने लगे हैं, सीट लेने लगे हैं। मानव हमारा देखिए यहाँ पर बिहाइंड द सीन मानव बिहाइंड द सीन हमारा रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पर। ये कहना पड़ेगा इस क्रूज़ का सब कुछ प्लान्ड है और पूरे दिन एक्टिविटीज़ हैं। लूडो था, तंबोला भी था, फिर हाउजी वगैरह भी थी, और अब किसी शोरूम मतलब किसी में वहाँ पर कैरियोके वगैरह भी चल रहा है। तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ आप बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करोगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर आपको सिने मैजिक शो भी वर्चुअली जितना हो सकता है एंजॉय कराएंगे। Well, I'm Chanda, your host for tonight, and I want to welcome you all to a beautiful, gorgeous Marquee Theatre, where we bring Indian cinema to life. Now, we're here to give you 3 things. Aris, entertainment and... That's right! जो शो देखा इंडियन सिने मैजिक, लाजवाब। केरला का डांस, पंजाब का डांस, ओडिशा, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट्स के डांसेस दिखाएं। देखो वर्चुअली जितना हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपसे मैं इतना ही कह सकता हूँ जितने भी ये शोज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप ये वाला क्रूज़ बोर्ड कीजिए, असली मज़ा आपको तब आएगा। और आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अब हम डिनर करके रूम में आ चुके हैं और डे 2 हमारा यही एंड होता है। होपफुली कल सुबह कोची ये बता रहे हैं हम पहुँचेंगे कुछ 9:30 के आसपास, तो मेरी आपसे अब सीधी मुलाकात हमारी वहीं होगी। बिकॉज़ यहाँ ऊपर आपको बता दूँ डीजे पार्टी चालू है, कसिनो भी चालू है, प्लस IPL की लाइव स्क्रीनिंग। आप जो एंजॉय करना चाहें दैट इज़ चॉइस इज टोटली योर्स। हम क्या करेंगे, हम तो फिलहाल आराम करेंगे बिकॉज बैक टू बैक व्लॉगिंग चल रही है, एडिटिंग भी चल रही है, बट ड्यू टू नेटवर्क व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकता, तो ये वाला कंटेंट आपके सामने थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट खैर कोई बात नहीं, कंटेंट आ रहा है सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो मेरी आपसे अब सीधी मुलाकात कल होगी, सोने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए, मिलते हैं आपसे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 3 फ्रॉम दिस क्रूज़ जर्नी, और अब हम एंटर कर चुके हैं केरला। होपफुली नेक्स्ट 30 मिनट्स अगर आप देखोगे हम कोची पोर्ट में डॉक कर जाएंगे, फिर पार्किंग में कितना टाइम लगता है दैट डिपेंड्स, बट यहाँ पर इतना ही कह सकता हूँ बोरियत मतलब बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतना कुछ एडवेंचर यहाँ करने के लिए है, तो कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है। और टाइम का तो मानिए पता ही नहीं लगता कि टाइम कहाँ निकल गया, और मैं आ गया एक बार फिर से केरला। और डेक 10 पर जो ये आपको व्यू मिलता है ना, यहाँ आप खड़े होकर देखिए जो आपको हवा लगती है, और इतने सुंदर नज़ारे आप देखिए, मतलब वही है यहाँ, तो ये आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम। आप देखते हैं कोची में, बाकी सब डिटेल्स आप व्लॉग देखते जाइए, आपको बताई जाएंगी।
ऑफिशियल टाइम जो डॉकिंग का था वो था कोची का 9:30, हम पहुंच गए 9 o'clock और केरला कोची में आपका स्वागत है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर आप कोची एक्सप्लोर करना चाहते हो तो क्रूज़ पर ही कॉर्डिलेट टीम के साथ आप शोर एक्सकर्शंस बुक कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको बाय 4:30 क्रूज़ पर वापस लौटना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ 200 पैसेंजर्स यहाँ पर डिसएम्बार्क कर रहे हैं, प्लस अगर आप देखोगे अराउंड 900 पैसेंजर्स 1000 पैसेंजर्स मैं कहूँगा यहाँ पर अब और कोची से एम्बार्क करने वाले हैं। तो अब इस क्रूज़ पर अभी और पैसेंजर्स होंगे। देखिए मैं कोची, आपको याद हो तो मैं कुछ दिन पहले ही आया था, तो प्लेसेस टू विजिट उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो कि भैया कोचीज में कौन कौन सी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वो वाली वीडियो देखिए और आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। अगर आप सपोज़ क्रूज़ पर ही रहना चाहते हो तो लंच वगैरह खाना पीना चाय नाश्ता पानी सब कुछ क्रूज़ पर अरेंज किया जाएगा। और कोची इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पर मैं आया हूँ पहली बार और यहाँ पर आकर कितना सही लग रहा है। यहाँ से आपको बता दूँ क्रूज़ हमारा डिपार्ट होगा कुछ 5:30 के आसपास। तो अभी पैसेंजर्स एम्बार्क करेंगे, फिर लंच वगैरह सब कुछ, अंदर कुछ एक्टिविटीज़ चलेंगी उनके एंटरटेनमेंट के लिए, सब कुछ है। आपसे इतना ही कह सकता हूँ, कोशिश कीजिए अगर आपने अब तक क्रूज़ जर्नी नहीं की है कोशिश एक बार ज़रूर कीजिए, अगर आप ये क्रूज़ बोर्ड कर पाएँ। सब डिटेल्स आप वेबसाइट पर देख सकते हो, जो भी आइटनरी आप प्रेफर करो या जो भी लोकेशन आप प्रेफर करो, बट जर्नी में जो मज़ा आ रहा है बस पूछिए मत। कोची पोर्ट से हम निकले थे कुछ 6 बजे के आसपास, राइट नाउ द टाइम इज़ 8:30 और अब वक्त है डिनर का। डिनर हम करने आए हैं स्टार लाइट में जो लोकेटेड है डेक 4 और 5। टोटल सेटिंग कैपेसिटी आप कह लीजिए 550 के आसपास। और हमारा नॉन वेज में आपसे जानना चाहेंगे, नॉन वेज में क्या क्या है? नॉन वेज में इनके पास काफ़ी वैरायटी है, सो आई एम जस्ट हैविंग चिकन सूप एंड जितना मैंने देखा है काउंटर पे, वी हैव फिश, वी हैव मटन, वी हैव चिकन, सो ऑल द 3 वैरायटीज ऑफ मीट इज सर्व्ड हियर एंड इट्स स्पेशली टेकन केयर ऑफ कि सारे कस्टमर जो भी पैसेंजर्स आए सारे खुश थे। मैंने आपसे कहा ना अगर आपको खाना पसंद है, इफ़ यू आर अ फूडी, इफ़ यू आर अ फूडी, तो यहाँ पर तो ये मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा, आप खाते खाते थक जाएंगे। यस आई एम डूइंग व्लॉगिंग। बच्चे कैमरा देखते हैं इनको ऐसा लगता है बड़ा। अब ये स्टार लाइट का तो इंटीरियर देखिए, इंटीरियर दिल जीत लेता है। जो डेक 10 पर रेस्टोरेंट है, डिनर वहाँ ओपन होता है 7:30, स्टार लाइट में आधे घंटे लेट हो तो बोलता है, यहाँ पर ओपन होता है कुछ 8 बजे के आसपास। ये हो गई बातचीत, मानव फूड एंजॉय करें, डिनर करने दीजिए, फिर आपसे हम मिलते हैं। बाहर हो रही है हल्की सी बारिश और अंदर चल रहा है एसी, जिसकी वजह से हमें पड़ रही है थोड़ी सी ठंड, यहाँ पे ठंड हो गई है। अब सबसे पहले आपको बता दूँ जो आज के 2 इवनिंग के शोज थे, 6 बजे था बल्ले बल्ले और 10 बजे था इंडियन सिनेमैजिक, जो दोनों मैंने आपको दिखा दिए। ऊपर IPL की लाइव स्क्रीनिंग चल रही है, प्लस कैसीनो भी ऑन कर दिया गया। और आप देखोगे हम वापस अपने रूम में आ चुके हैं और खाने पीने का मानव क्या ध्यान रखा है। और जो मिष्ठान में क्या खाया हमारा बता दो सही। 6 महीने बाद मैंने गाजर का हलवा खाया, दिल को जो सुकून मिला है सीरियसली यार। मिष्ठान तो डेजर्ट तो बस आप पूछिए ही मत, ठीक है ना। अब देखिए इतनी लंबी जर्नी है, वर्चुअली मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ जितना भी आपको दिखाया जा सके। आपसे मैं यही कहूँगा ये वाली जर्नी, क्रूज जर्नी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो डे 3 हमारा यही होता है समाप्त। बस अब देख लीजिए वापस रूम में आ चुके हैं, बस यहाँ पे हल्की सी ठंड है, सोएंगे रिलैक्स करेंगे और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा पार्ट 2, बिकॉज उसमें मैं आपको लक्षद्वीप में जो हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो भी आपको दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मचाएंगे क्या नहीं लक्षद्वीप? अरे मचाएंगे बिल्कुल, देखते हैं स्कूबा डाइविंग करने को मिलती है, देखते हैं जो भी डिपेंडिंग अपॉन द वेदर जो भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ रात्रि।
वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं लक्षद्वीप। अगर आप वो आइलैंड देखोगे, वो छोटा सा आइलैंड, वो है लक्षद्वीप। आफ्टर 3 nights and 4 days हम पहुंच चुके हैं लक्षद्वीप। और क्या, लक्षद्वीप में कोई भी पोर्ट नहीं है, तो हमारे क्रूज को अगर आप देखोगे यहाँ पर एंकर कर दिया गया है। आगे अब क्या क्या होने वाला है, हमको टेंडर बोट से वहाँ ले जाया जाएगा, आगे की कहानी मेरी ज़ुबानी आपको देखने को मिलेगी part 2 में। तो आपसे फिर कहूँगा वो वाले व्लॉग को पूरा मिस मत कीजिएगा। हमने अभी करंटली ब्रेकफास्ट किया, आ गया मज़ा। ठीक है, बस ये वाला व्लॉग यहीं एंड होता है। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। लक्षद्वीप मैं आया हूँ पहली बार, और वो भी क्रूज से, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मिलेंगे आपसे part 2 में। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200। आप ये नज़ारे देखिए फ्रॉम 200 जर्नीज। क्रूज को हमारा एंकर कर दिया गया है, बाकी प्रिपरेशंस, पूरी टेक्निकल टीम अब यहाँ पर क्रूज में लग चुकी है। मिलते हैं part 2। जी दोस्तों, आपने देखा इतना बड़ा क्रूज और क्या सफ़र, क्या मैं तो बयान ही नहीं कर सकता कि, यानी कि मैंने तो सिर्फ देखा है। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा। और ये जो है हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये अपना व्लॉग बनाया है कोडेला, तो फिर जो है इन्होंने कितना एंजॉय किया कि स्विमिंग पूल में भी नहा लिए और खाने इतने मज़े मज़े के, बूफर सिस्टम, और फिर जो चीज़ चाहिए आपको हर चीज़ जो है अवेलेबल है, और चाय कॉफ़ी और नॉन वेज और वेजिटेबल तमाम तरह जो है ना, हर तरह के जायकेदार जो है खाने। और आप ये देखें कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए उन्होंने कितना एंजॉय किया कि अपने साथ कैमरा भी ले गए और उन्होंने वो जो है अपना ब्लॉग बनाया। और साथ के साथ जो है कूची, मैंने नाम पहले भी सुना था कि कूची भी है बहुत बड़ा पोर्ट है और बहुत ये कहते हैं कि अरब की रानी का खिताब देते हैं कि कूची को, कि समंदर के किनारे पर जो है वाक़ है कूची शहर, और बहुत ही खूबसूरत और बड़ी उसमें भी यानी कि एक ही शहर में मुनफरद चीज़ें मसाले जात के नाम से जाना पहचाना जाता है। और फिर आप ये देखें कि 3 दिन 3 रातें और 2 दिन का ये सफ़र, यानी कि 5 दिन कुल टोटल 5 दिन का ये पूरा जो है ना जर्नी थी जो कि हमने देखी और बहुत ही इन्जॉय किया। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इसमें जो देखने में आई, कैसीनो और अपना जो है मैजिक प्रोग्राम, फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम, फिर जो है और बहुत सारी चीज़ें, IPL की मेन स्क्रीन लगी हुई थी कि अगर आप मैचेस वगैरह देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यानी कि पूरी उसमें व्लॉग में जो है मैंने ये नहीं देखा कि कहीं बंदा बोर हो रहा हो, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो सजाया हुआ और कितना इंटीरियर जो है कितना अच्छा लग रहा था कि आप ये वहाँ से नहाने को ही नहीं दिल जा रहा होगा कि भाई हम मज़ीद जो है सफ़र करें। यानी कि एक ही सफ़र में कितने सारे जो है मज़े, और आप ये देखेंगे डांसिंग मुख्तलिफ तरीके के जो है डांस आपको देखने में मिलेंगे, फिर लूडो और जो है ना करोके के जो है ना वो स्टाइल्स में जो है ना गाने, और साथ में कैसीनो, फिर जो है तंबोला, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है इसमें जो है इंजॉय करने के लिए मिल जाएंगी। फिर एक ही सफ़र में इतनी सारी इंजॉयमेंट अगर हो जाए तो क्या ही बात है कि 5-star होटल का मज़ा आपको मिल रहा है और क्रूज़ चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। और फिर वो जो सुबह का सीन है कि जब सुबह सुबह जब उठते हैं तो सन जो है वो देखें कि सन सूरज की को उभरते हुए देखने का जो मज़ा है वो भी एक अच्छा ही मज़ा होता है। और फिर साथ में जो है योगा की, अगर आप चाहें तो योगा की क्लास ले सकते हैं, योगा जो है सुबह सुबह जो है योगा भी करवाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसी में जो है, मैंने एक क्रूज़ देखा था इससे पहले तो उसमें जो जिम भी था और शॉपिंग प्लाजा माना शॉपिंग मॉल था उसके अंदर, कोई अगर आप अपनी कोई परचेजिंग करना चाहते हो वो भी ले लें, लेकिन इसमें मुझे नहीं नज़र आया होगा इसमें भी, लेकिन ये कि शायद ये हमारे जो दोस्त थे उन्होंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन ऐसा होता है कि शॉपिंग मॉल भी होते हैं अंदर और जिम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें जो है आपको जो है इंजॉय करने के लिए मिल जाएंगी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये वीडियो था और देख के बड़ा खुशी हुई कि इंडिया के पास जो है ना क्रूज़ भी हैं और इंडियन जो है काफ़ी सारे लोग जो है इसमें सफ़र करते हैं, कि किसी क्रूज़ का जो है 2 दिन का सफ़र है, किसी का 3 दिन का, किसी का ये वाहिद क्रूज़ था जिसका 5 दिन का सफ़र था। अब ये देखते हैं कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और इसी तरह हमारा रिएक्शन आप देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।